भगवान शिव को हिंदू धर्म में सर्वोच्च और स्थायी माना जाता है। शिवलिंग को भी भगवान शिव का ही प्रतीक माना जाता है, लेकिन हमारे अपने धर्म में ही लोगों को शिवलिंग का असली अर्थ नहीं पता, क्योंकि हमारे धर्म में ही अधिकतम लोगों को धर्म का ज्ञान अपने बुजुर्गों से मिलता है, जिसमें भाषा के बदलाव और समय के अंतराल के कारण कई कमियां आ जाती हैं। ऐसी ही कमी हमें शिवलिंग के अर्थ में सुनने को मिलती है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिवलिंग का संपूर्ण अर्थ और वो ज्ञान जो हर एक हिंदू को पता होना जरूरी है। अगर आपको ये ज्ञान नहीं है तो आपकी धर्म की जानकारी ही अधूरी है। दरअसल आज कई विदेशी और गैर हिंदू शिवलिंग को लिंग ही समझते हैं, जबकि हिंदू धर्म में अज्ञानी भी यही समझते हैं और इसे बढ़ावा देते हैं। असल में अगर हम अपने वेदों का गहन अध्ययन करें तो उसमें शिवलिंग का वर्णन किया गया है। शिव को इस ब्रह्मांड का एकमात्र स्रोत बताया गया है, उन्हें निराकार और स्थायी बताया गया है, लेकिन शिवलिंग को लिंग बताया ही नहीं गया। यह त्रुटि सिर्फ उन अज्ञानियों की वजह से फैली है जिन्हें भाषा तक का ज्ञान नहीं था। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, तो शिवलिंग का अर्थ बना शिव का प्रतीक। जिस तरह हम किसी देश के प्रतीक को उस देश का झंडा मानते हैं, वैसे ही भगवान शिव, जिनका कोई आकार ही नहीं है, तो उन्हें भी एक प्रतीक से पूजा जाता है। इसी तरह अगर आप पूरी दुनिया में प्राचीन शिवलिंग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर शिवलिंग का आकार दूसरे से अलग ही होता है। यही है समय के अंतराल के कारण आए शिवलिंग के रूप में बदलाव। शिवलिंग को शिव का प्रतीक मानकर एक आकार बनाया गया जिसमें भगवान शिव की पूजा की गई। उस समय भारतवर्ष में संस्कृत का चलन था, तब लिंग का अर्थ प्रतीक माना जाता था, जैसे स्त्रीलिंग यानी स्त्री का प्रतीक और पुलिंग यानी पुरुष का प्रतीक। लेकिन जैसे ही विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, तब यहाँ पर भाषा में भी त्रुटियां आने लगी। इसी से अर्थ में भी बदलाव आते चले गए। आज भी अधिकतम हिंदू सिर्फ सुना हुआ ज्ञान ही सच मानते हैं और उनके पास श्रीमद् भगवद गीता या वेदों का लिखित रूप नहीं होता। इस कारण वो इन गलतियों को भी सही मान लेते हैं। अब आपको ये तो पता लग गया कि शिवलिंग का कोई और अर्थ नहीं बल्कि शिव का प्रतीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये शिव का प्रतीक कैसे बना। दरअसल शिवलिंग को अंडाकार रूप में माना जाता है। अगर आप वेदों और शास्त्रों में बताए अनंत के प्रतीक को देखेंगे तो वो भी यही था, यानी कि अंडाकार। प्राचीन समय से ही अनंत का प्रतीक यही रहा, लेकिन पश्चिमी सभ्यता से ही इसे ये आकार कहा जाने लगा जिसे हम आज इन्फिनिट कहते हैं। इससे हमें पता चलता है शिव अनंत हैं और उनका प्रतीक है यह अंडाकार रूप। उसके बाद उसके ऊपर तीन रेखाएं अंकित की जाती हैं जिनका अर्थ होता है त्रिनेत्री, त्रिलोकी और त्रिकालदर्शी। इसी रूप की पूजा की जाती है, यानी अनंत महासागर के निर्माता जो निराकार रूप में हर स्थायी वस्तु और ऊर्जा का केंद्र हैं, ऐसे ही निराकार स्थायी रूप के प्रतीक को हम भौतिक आकार में ढालकर ध्यान के समकक्ष महसूस करते हैं। अब आपको भी ये वीडियो हर प्रिय को शेयर करनी है ताकि वो शिवलिंग का सही अर्थ जान सके, और अगर आपको कोई शिवलिंग का गलत अर्थ बताए तो आप उसे ये वीडियो दिखाकर चुप करा सकें। इसी के साथ आप इस वीडियो में कमेंट भी करें, इसी से हमें ऐसी और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।